वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का आर्डर 24/7 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं ब्लैक मैजिक ऑफ मैथ्स, राइट। यानी कि क्लास टू होने वाली है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि आज होगा और उसका क्लास टू होगा। कल मॉर्निंग 6 बजे हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का पहली क्लास अटेंड कर चुके हैं, राइट। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कल भी किए थे और उससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस, उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। जबरदस्त क्लास होने वाली है, जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बता दो कि बहुत जबरदस्त क्लास यानी कि ब्लैक मैजिक, काला जादू फिर से शुरू हो चुका है सुबह 6 बजे, है ना। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, कितने बच्चे जुड़े हैं, अभी लगातार बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहला काम यही करो आप कि इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी सो भी रहे होंगे, तो मेरी हमेशा आपसे अपील होती है कि पढ़ाई के मामले में आप बच्चों को फोन करके जगा सकते हो। नहीं जगा पा रहे हो फोन करके, फोन नहीं उठ रहा उनका, तो मोहल्ले में जाकर के बेल कर करके उनको जगाओ, राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यहां पर हम आपको इस बार के छोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ यार मत जगाओ उनको, सोने दो, है ना, सोना जरूरी है। नहीं, बहुत जरूरी क्लास है। तो मैं अपील कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो चुकी है। सबसे पहले श्रिया श्री, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप। फिर आते हैं सुनीता बोया, गुड मॉर्निंग सर, हेलो बेटा, कैसे हो आप। निगमंदा, गुड मॉर्निंग सर, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। रोजी गोयल, मोनिका और चित्रा, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों पहला काम आपने कर दिया, सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दिया। उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। संजय कुमार, गुड मॉर्निंग। रमनप्रीत, गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू सर। मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताओ कैसे हो। सभी लोग अपने दोस्तों को बताते चलो, है ना, सभी लोग अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो। मैंने कई बार कह रखा है आपसे कि यहाँ पर ये ईगो अपना, ये एटीट्यूड मत लाना कि मेरे को मालूम चल गया लाइव क्लास है तो मैं दूसरों को क्यों बताऊं, है ना। मुझे तो मालूम है ना, मैं पढ़ के मैं सीख करके आगे निकलूंगा, दूसरों को नहीं बताऊंगा। नहीं बेटा, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की यही है कि हम लोग सबको बताएं, है ना। हम लोग को एक ही सीट चाहिए, जो भी हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, हमको उसमें एक ही सीट चाहिए, हमें सारी नहीं मिलने वाली, है ना। तो सबका भला करते चलो, कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इस चीज को देख रही होगी और कहेगी कि हाँ यार ये बंदा जो है, ये लड़की जो है, ये लड़का जो है, ये सबको लेके चलता है अपने पूरे साथ के लोगों को, है ना। यानी कि सभी के सभी लोगों को ये अपने साथ रख के चलता है। ये किसी को ये नहीं कहता कि यार मैं आगे निकल जाऊं, ये लोग पीछे ही रह जाए, है ना। तो जब ऐसा आप एक एटीट्यूड डेवलप करते हो माइंड में, तो कहीं ना कहीं एक शक्ति, एक आशीर्वाद आपके ऊपर काम कर रहा होता है कि अगर ये सबके लिए काम करता है, ये सबके लिए सोचता है, तो पहले हम इसके लिए क्यों ना सोचें। अगर आप सबके लिए सोचोगे तो ऊपर वाला आपके लिए जरूर सोचेगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जबरदस्त क्लास होने वाली है ब्लैक मैजिक, है ना, ब्लैक मैजिक ऑफ मैथ्स। सोचो कितना बढ़िया नाम है, काला जादू सीखेंगे मैथमेटिक्स का हम लोग। तो सभी दोस्तों से अपने इन्फॉर्म कर दो, सभी दोस्तों को ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो जल्दी से। गुड मॉर्निंग। मैंने कल यही क्लास की रिकॉर्डिंग से की थी और आज मैं लाइव आ गई। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच बेटा, तारीफ करते रहा करो। तारीफ करने से समझ लो, तारीफ भी हमारे लिए खुराक है। हम खाना ना खाएं, हम तारीफ सुन लें, हम उसी से पूरा भरपूर हो जाते हैं, है ना। हम 5-6 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं अगर आप लोग ऐसे ही तारीफ करते चलो तो। चलिए बहुत अच्छी बात, तो वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो बेटा जल्दी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं अपील करूंगा अभी आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करते चलो। तो जल्दी शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, अपने इस क्लास की, अपने इस वीडियो की, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो अगर बच्चों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही चीज यहां पर मेंशन की गई है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। काम देखो चेहरा देख रहे हो मेरा, है ना, एकदम भीग गया हूं मैं। सोचो यहां पर इस टाइम पे सुबह सुबह मैं आया ऑफिस में, अभी स्टाफ में कोई नहीं आया। क्यों आया मालूम है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास देने के लिए, राइट। 6 बजे, सोचो सुबह 6 बजे, और कल रात को मेरी क्लास लगभग 12:30 खत्म हुई है, है ना। हम सो नहीं रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, कितनी गलत बात है ना। ये सोच के देखो, हम नहीं सो रहे, बच्चे सो रहे हैं, तो जगाओ उनको जाकर के भाई, जगाओ उनको। गुड मॉर्निंग कर लिया हमने, गुड मॉर्निंग। अब आप अपना दूसरा काम करो, उनको जगाओ जाकर के, कह दो कि नवनीत सर लाइव हो चुके हैं, नवनीत सर लाइव हो चुके हैं, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, है ना, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राइट। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मेरा सवाल है आपसे, 70 माइनस 30 प्लस 40 का आंसर क्या होगा।
70 माइनस 30 प्लस 40 का आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से बेटा आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर चाहिए। इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास, योर वे ऑफ टीचिंग इज बेस्ट सर, थैंक यू सो मच बेटा अपर्णा, कैसे हो आप लोग सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है, 70 माइनस 30 प्लस 40, कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे, क्या सभी बच्चे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, तो अगर देख पा रहे हो तो जल्दी से आंसर करो, 70 माइनस 30 प्लस 40 का आंसर क्या होने वाला है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, काबिले तारीफ, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। देखो ध्यान से, यहां पर दो आंसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर दो आंसर्स काम कर रहे हैं, नंबर वन 80, वेरी गुड, और नंबर टू 0। तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, 80 की तरफ या 0 की तरफ, है ना, 80 की तरफ या 0 की तरफ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कह सकते हैं कि सर ये 40 है ये 30 है, दोनों ऐड हो रहा है, तो 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 होता है हमारा 70, और बीच में माइनस लगा हुआ है और यहां पर है 70, तो 70 माइनस 70 तो 0 होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वाकई वाकई जादू से कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पर माइनस साइन लगी है, यहां पर प्लस, तो माइनस प्लस होता क्या है, माइनस प्लस होता माइनस है, और साइन साइन ग्रेटर वाले की लगती है, यानी कि इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वाला जो हम लोग ने लिख रखा है 40 प्लस 30, ये हम लोग का गलत है ना, ये गलत है। इसका मतलब करेंगे ये कि 40 और 30 अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 40 और 30 अगर हम यहां पर देखेंगे, माइनस 30 प्लस 40, तो इसका मतलब वैल्यू आएगी प्लस 10, है ना, 40 में से 30 जाएगा तो वैल्यू आएगी प्लस 10, और 70 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 80। तो ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हुआ, बहुत अच्छे, शानदार, आप लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन अब करके दिखा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा, जल्दी से करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 2 प्लस 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर, 2 प्लस 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, जल्दी से बच्चों, शानदार, बहुत अच्छे, है ना, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है। प्रेजेंट सर दीपेंद्र, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करते चलो और वीडियो को लाइक करते चलो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आंसर आना शुरू हो गया, बच्चों ने बताया सर 2 होगा इसका आंसर, जल्दी से देख लेते हैं क्या इसका वाकई आंसर 2 है। यहां पर हम लोग का बॉड मास काम करना शुरू कर देता है ना, यहां पर हम लोग का बॉड मास काम करना शुरू कर देता है, यानी कि बॉड मास में सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया, यानी कि यहां पर साफ दिख रहा है कि 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, तो ये लिखा हमने 2 प्लस 2 लिखा, यहां पर क्रॉस यानी कि डिवाइड पहले करना होता हम लोग को, तो 2 ने 2 को डिवाइड किया, यानी कि वैल्यू आ गई 1, माइनस 2 यहां पर लिख दिया गया, वेरी गुड। यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 2 1 2, यानी कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता था, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हुआ, माइनस 2 किया यानी कि इसने इसको कैंसिल आउट किया, वैल्यू आ गई 2 हमारा। जितने बच्चों का 2 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है ना, जितने बच्चों का आंसर 2 आया बिल्कुल करेक्ट आया, वेरी नाइस। कुछ बच्चों का 4 भी आ गया है ना, बच्चा बहुत ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्लास चलने वाली, बेसिक से एकदम बॉड मास सीखने वाले हो आप लोग, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कितने बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानते हैं, बालाजी लखनऊ, ओके वेरी नाइस बेटा, नवीन, हेलो नवीन कैसे हो, जबरदस्त, बहुत अच्छे, शानदार। देखो -8 -6 के ऊपर बार लिखा हुआ है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है, बेसिक क्लास नहीं है बेटा, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अभी तो ये शुरुआत हो रही है, अभी हम आपको सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि आप कितना समझदार हो चुके हो इस फील्ड में, बहुत अच्छे। देखो यहीं पर गड़बड़ होना शुरू हुई, अभी तो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आना शुरू होंगे अब इसके बाद, ओके। तो यहां पर बच्चों दिख रहा है साफ साफ कि बच्चों का आंसर गलत आ रहा है ना, बच्चों का आंसर गलत आना शुरू हो गया है, इसीलिए हमने कहा ना बहुत बेसिक से बहुत प्यार से आप लोग सीखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यानी कि जीरो टू हीरो का सफर तय होगा आज इस क्लास में, वेरी नाइस। यहां पर देखो बार लगा हुआ बेटा, बार के बाहर माइनस है,
यानी कि ये 8 माइनस 8 नहीं है, ध्यान समझ लो इस बात को मेरी, ये माइनस 8 नहीं है बेटा, ये 8 है, क्योंकि बार देखो यहीं तक लगा हुआ है। बार का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कुछ ये ऐसा लगा होगा, ये कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसे, ये बार का मतलब एक ब्रैकेट होता है, बार है ना, बार एक ब्रैकेट होता है बेटा, तो बार एक ब्रैकेट है, तो 8 माइनस 6 यानी कि 8 माइनस 6 को ब्रैकेट में बंद कर दो, बाहर लगा दो माइनस, क्लियर हो गया। यानी कि यहां लिखा हमने माइनस और 8 माइनस 6 कितना हो बेटा 2, यानी कि आंसर इज माइनस 2, क्लियर हुआ। क्लास रोज चलेगा सर, बेटा रोज तो चल रहा है, कल भी चला, आज भी चला है ना, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा क्लास, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर माइनस 8 माइनस 6 यानी कि माइनस बाहर है, हमारा जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ 8 के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि अगर बार हटाना चाहो तो ये दिखेगा कुछ ऐसा है ना, 8 के साथ ब्रैकेट और 6 के साथ, यानी कि 8 माइनस 6 के साथ ब्रैकेट होगा, तो 8 माइनस 6 आपने किया तो वैल्यू आ गई 2 और वी माइनस के साथ, क्लियर हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हम आपका देख रहे हैं कि बेसिक आपका स्ट्रांग है कि नहीं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन, यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 3/5, इसका आंसर क्या होगा, 3/5 जल्दी से बताओ, 2 whole upon 3/5 जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2 whole upon 3/5 इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बेटा 10/3 होगा, इसका आंसर 10/3 होगा, इसका आंसर बेटा 10/3 होगा, या फिर 6/5 होगा, बिल्कुल बेटा सारे टॉपिक सभी टॉपिक्स होंगे, बहुत बेसिक से लेकर के हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आज कराने वाले, मजा आ जाएगी समझ लो है ना, मतलब जितना भी बेस हिला होगा अब तक मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन में सब कवर अप हो जाएगा। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, देखो अभी एक ही क्वेश्चन मैंने दिया और वहां पर आप ढेर हो गए है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले। क्या होगा इसका आंसर बेटा, 10/3, बच्चों ने आंसर किया सर 10/3 होगा, वेरी गुड। अच्छा अगर इसका आंसर 10/3 बता रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ, 2/3 whole upon 5 इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से चेक करना चाह रहे हैं हम आपकी बेसिक है ना, आपको कितना नॉलेज हो चुका है अब तक सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते करते। अच्छा 3.33, वेरी नाइस, जल्दी से आप आंसर करके बताओ 2/3 whole upon 5 कितना होगा बेटा, 2/3 whole upon 5। देखो बच्चे कम है यार, अभी बच्चे आए नहीं है ना, कल देखो कितने सारे बच्चे आ गए थे, तो आप अपने बच्चों को अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो साथ के लोगों को कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, तो जल्दी से सभी बच्चों को इन्फॉर्म करो, फोन करो, कॉल करो, पैदल जाओ, बेल बजाओ, कुछ भी करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां कहीं भी मौजूद हो वहां पर शेयर करो इस वीडियो को, तब मजा आएगी ना। चलो ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर 2/3 whole upon 5 है, 2/3 whole upon 5 है, बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर बेटा क्या होने वाला है जल्दी से बताओ, इसका आंसर 10/3 होगा, या फिर इसका आंसर बेटा 10/3 होगा है ना, या फिर 2/15 होगा, क्या होगा इसका आंसर, 10/3 होगा या फिर 2/15 होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे, यहां पर आपने आंसर किया हुआ है 2/15 है ना, 2/15 आपने बताया मेरे को, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल यहां पर देखना होगा हम लोग को ये कैसा सॉल्व होता है, यानी कि 2/3 देखो दिखने में बिल्कुल सेम है बट आंसर्स बदल रहे हैं इसके है ना, दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन आंसर्स इसके बदल रहे हैं, तो क्या किया जाना चाहिए, क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, राइट। तो देखो ध्यान से, इसका आंसर हमारा 2/15 हो जाता है, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे केसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हेलो सर गुड इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग नहीं गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, उठते ही आ गए कल जादू काला जादू सीखने, अरे वाह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है बेटा कि अगर a अपॉन b डिवाइडेड होता है c अपॉन d से तो वैल्यू आती है, वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, a अपॉन b और यहां जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाइंग बदलता है और ये हो जाता है बेटा d अपॉन c, राइट, ऐसा कुछ करते हैं। वही हम लोग यहां पर फेनोमेना लगाने वाले हैं, यानी कि यहां पर लिखा है बेटा 2 whole upon 3/5 अगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट, तो यहां पर बड़ी वाली लाइन देखा करो, बड़ी वाली लाइन है ना, बड़ी वाली लाइन यहां पर लगी हुई है, यानी कि होल अपॉन वाली लाइन जो है वो बड़ी वाली लाइन यहां पर है 2 के जस्ट बाद। तो बड़ी वाली लाइन किसको शो करती है मालूम है, हमेशा डिवाइड वाले सिंबल को, ध्यान से देखो कैसे, तो यहां पर लिखा बेटा 2 और बड़ी वाली लाइन आ चुकी है, तो बड़ी वाली लाइन के लिए आप लगा दो डिवाइड वाला सिंबल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिखो 3/5, तो अब ध्यान से देखो जब डिवाइड आपका मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा
यानी कि डिवाइड जब आपका मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो बगल वाले यानी कि जो फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है ना, डिवाइड के सिंबल वाला जो बगल में जो फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 5/5/3, राइट, यानी कि तब आंसर आता है 10/3। बात क्लियर हो रही है? बड़ी वाली लाइन देखो तो सबसे पहले क्या करो, वहां पर डिवाइड लगा दो। अगला क्वेश्चन कैसा था बेटा? अगला क्वेश्चन था 2/3 होल/5, यानी कि बड़ी वाली लाइन 2/3 के बाद आ रही थी, राइट। तो आप ऐसे लिखोगे 2/3 और बड़ी वाली लाइन 2/3 के बाद आई, तो 2/3 आपने लगा दिया और बड़ी वाली लाइन जैसे मिली आपको आपने वहां पर डिवाइड का सिंबल लगाया और यहां पर लिख दिया आपने 5। वेरी नाइस। 5 के नीचे क्या होता है बेटा? 1, है ना, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा बेटा 2/3 और डिवाइड का जो सिंबल है वो मल्टीप्लाइंग बदलेगा और ये जो 5/1 है ये हो जाएगा 1/5, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 2/15। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं #1 और #2, है ना। यहां पर आज के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कहीं पर भी डाउट होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने डिस्कस की और बहुत अच्छे से आपने समझ भी लिया, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अब जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये तो हमने आपका बेसिक चेक किया सिर्फ और सिर्फ, है ना, ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक चेक किया है। अब पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तैयार हो आप लोग? सभी बच्चे तैयार है तो बोलो हाँ जल्दी से। अगर आप सभी लोग तैयार है तो बोलिए हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बोर्ड मार्क्स के। देखेंगे हम कि आपकी सिंप्लीफिकेशन कितनी स्ट्रांग है, और अगर नहीं है तो बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सीख चुके होंगे। जल्दी से बोलो, स्टार्ट किया जाए, बोलो हाँ जल्दी से बच्चा, जल्दी से बोलो हाँ। तो स्टार्ट करें फिर। बहुत अच्छे, वेरी नाइस अपर्णा झा, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे, है ना, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी से स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। ओके वेरी नाइस, देखिए ओके, देखिए ध्यान से। सबसे पहले समझते हैं बेटा क्या है, हम लोग को पढ़ना है आज वी बॉड मास। ठीक है, वी का मतलब होता है बेटा यहां पर विनकुलम, यानी कि इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, ऐसे ही लिख लेना इसको, करेक्ट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, है ना। बार ब्रैकेट कैसे होता है बेटा? बार ब्रैकेट लाइन के फॉर्म में होता है ऐसा सिर्फ, है ना, ब्रैकेट। यहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है सॉल्व करने की, जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको, है ना, प्रायोरिटी है ये। सबसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसको सर्प आकार ब्रैकेट भी कहते हैं ना, सर्प यानी सांप के समान होता है, उसके बाद लास्ट मिलता है आपका ये स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले आपका बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, देखो टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल, है ना। उसके बाद आपके ये सारे ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, सबसे पहले स्क्वायर, फिर कर्ली, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड ये क्या है? ओ, ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ही है, है ना, लेकिन जहां पर मल्टीप्लीकेशन और ऑफ होगा वहां पर आप पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, यानी पहली प्रायोरिटी आपके ऑफ को मिलेगी। हेलो बेटा, सभी लोग कैसे हो? फिर है आपका थर्ड हो गया, फोर्थ पोजीशन पे बेटा डिवीजन, ये है आपका डिवीजन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार हो जाइएगा आप लोग। फिर आएगा बेटा आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, राइट, मल्टीप्लीकेशन ये हो गया। फिर आएगा आपका, मालूम है हम लोग को इसका मतलब होता है एड बेटा, और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? तो पहले आपको ये प्रायोरिटी समझनी होगी। सबसे पहले आप लोग क्या समझते हो यहां पर कि क्या किसको हम लोग क्या किसको प्रायोरिटी पहले देंगे, यानी कि सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा ये स्क्वायर, फिर हमारा कर्ली, फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व होते ही हमारा ऑफ आता है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन शुरू होता है, फिर आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, फिर एडिशन किया जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। याद रहेगा ये रूल याद रखिए, इसके सारे इसके ही थ्रू आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला एक रूल हम और आपको बताना चाहते हैं, वो ये है बेटा, रूल अगला ये है कि जब भी हमारा प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ, तो जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस में आता है, आंसर, है ना, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर बेटा हमारा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस में आता है। क्लियर हो गया? अगर हमारा प्लस मल्टीप्लाई होता है बेटा माइनस के साथ, या फिर माइनस हमारा मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा माइनस में आता है।
क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर हुआ? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? अगला एक और इंपॉर्टेंट लाइन, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लो जल्दी से, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट डाला है ना, अच्छे से कॉपी में अपने नोट बना लेना। आगे यहां पर है, यहां पर है अगर प्लस, और प्लस अगर प्लस के साथ हो रहा है तो जो वैल्यू आएगी यानी जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा, करेक्ट। इसी तरह से अगर माइनस बेटा प्लस में है, यानी कि दोनों माइनस, अगर माइनस माइनस प्लस हो रहे, दोनों माइनस प्लस हो रहे साथ में, तो जो आंसर आएगा बेटा वो माइनस में आएगा, करेक्ट। अगर बेटा प्लस और माइनस के साथ बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस है और उनका हमें एडिशन करना है, तो जो वैल्यू आएगी और जो माइनस है और उसके साथ अगर एडिशन हो रहा है प्लस के साथ, है ना, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी दोनों ही केसेस में जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो बिगर साइन के साथ होगा, वो बिगर साइन के साथ होगा। क्लियर हो गया? आंसर जो होगा वो बिगर साइन के साथ होगा, यानी कि अगर साइन बड़ी है प्लस वाली तो आंसर जो होगा वो प्लस वाले के साथ आएगा, अगर साइन बड़ी है माइनस वाली तो आंसर हमेशा माइनस वाले के साथ आएगा। और इन दोनों में करते हमेशा हम लोग सब्ट्रैक्शन ही है ना, करते दोनों में, इस दोनों केस में हम लोग करेंगे माइनस ही, यानी कि सब्ट्रैक्शन ही। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो नोट डाल के लिख लो। क्लियर हो गया? दोनों ही केस में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ही। यहां पर क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम लोग दोनों का प्लस प्लस करेंगे तो साइन आएगा प्लस का, लेकिन करेंगे एडिशन, और यहां पर दोनों के केस में, दोनों के केस में करते एडिशन ही है, यहां पर दोनों केस में एडिशन करेंगे, यहां पर प्लस तो करेंगे ऐड ही, साइन पॉजिटिव रहेगा, यहां माइनस दोनों को हमें ऐड करना है तो करेंगे एडिशन ही, लेकिन साइन हमेशा हमारा नेगेटिव रहेगा। यहां पर प्लस है, यहां प्लस यहां माइनस, तो इसका मतलब करेंगे सब्ट्रैक्शन, बट हमारा आंसर जो होगा वो बिगर साइन के साथ होगा। प्लस वाली है तो प्लस, माइनस वाली तो माइनस, माइनस है प्लस कर रहे प्लस के साथ तो बिगर साइन के साथ रहेगा, करेंगे सब्ट्रैक्शन ही, करेक्ट। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। अब आपके सामने बेटा पहला क्वेश्चन आने वाला है ना, अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से, जल्दी से बेटा आंसर बताएं, जल्दी से। जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से। पहला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बेटा, जल्दी से। जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, शानदार, है ना, यही चाहिए। बच्चे लगातार प्रयास में रहते हैं, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। कैसे होगा ध्यान से देखो, होगा कैसे? हाँ, जिन बच्चों ने 9 के ऊपर मोहर मारी है वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने 11 के ऊपर मोहर मारी है, जहां पर 11 है ही नहीं, पता नहीं उनको 11 कहां से दिख रहा है, बेटा ऑप्शंस भी देख लिया करो साथ में, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर 15 प्लस 11 बेटा कितना हुआ, 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9, अभी इसको हम नहीं करेंगे, है ना, हम लोगों के पास मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहली प्रायोरिटी बार ब्रैकेट को सॉल्व करने की होती है, और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बार ब्रैकेट के जो बाहर लगाया है साइन वो माइनस का है, और माइनस 8 नहीं है ये, है ना, ये माइनस 8 मत समझना इसको, बार ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ बेटा 8 प्लस 9 सिर्फ और सिर्फ, मैं क्या बोल रहा हूं, बार ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ माइनस 8 प्लस 9 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 प्लस 9, माइनस तो बाहर का है, तो माइनस को हम बाहर ही रखेंगे, यानी कि 15 प्लस 11 माइनस को हमने बाहर रखा, 8 प्लस 9 यानी कि 9 8 17 होता है, करेक्ट, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां पर 15 प्लस 11 हो गया, तो यानी कि ये हो गया हमारा कितना बेटा 26, और यहां पर है माइनस 17, तो आंसर इज आपका, आंसर इज 9, करेक्ट, तो आपका ऑप्शन 9 करेक्ट है। बढ़िया, बहुत अच्छे, यहां पर सीख गए अच्छे से ना, यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को शुरुआत में जब बार ब्रैकेट सामने आया था, बट मेरे ख्याल से अब नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन, ध्यान रहे इस चीज को बहुत अच्छे से करना, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए, माइनस 8 प्लस 9 नहीं है बेटा, ये माइनस 8 प्लस 9 नहीं है, ये 8 प्लस 9 है, माइनस तो बाहर है, ये ध्यान रखना अच्छे से, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, 8 प्लस 9 है, 9 8 17, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं, जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों ने अब तक जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया है? नहीं किया तो तुरंत कर दें, बिना समय गवाए, है ना,
बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, और साथ में अगर आपने इस वीडियो के लिंक को अभी अपने सभी दोस्तों में नहीं शेयर किया है तो वो भी कर दें। बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा ये सब, है ना, बहुत जरूरी चीजें हैं ये सब, हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम कर रही होती है, राइट, हम लोग के लिए ये सब मोटिवेशन का काम कर रही होती है। जल्दी से ये सारे काम करते चलें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। कितने बच्चों का आंसर आ गया, कितने बच्चों का आंसर आ गया, कितने बच्चों का आंसर आ गया, कितने बच्चों का, 216, बहुत अच्छे, शानदार। और किसी का कुछ आया, मुझे नहीं पता ये सही या गलत है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, है ना, आपका आंसर अलग अलग आ सकता है, तो अपने हिसाब से सोच के चलिए। बहुत अच्छे, तो आंसर आना शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड। देखो ध्यान से, अब यहां पर इस बार बार नहीं है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, इस बार यहां पर बेटा बार नहीं है, है ना, तो बार जब नहीं है तो हमें अब ये नहीं समझना है कि बार वाले को पहले सॉल्व करो, बात समझ में आ रही है, बार को पहले सॉल्व किया था जब बार हो तब ना, इस बार इस क्वेश्चन में यही बदला गया है, इस बार बार नहीं है, गलती मत करना, इस बार ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग करना होगा। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज क्या क्या होती है, वी बॉड मास ये है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है बेटा, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास बार नहीं है यानी कि वी नहीं है, खत्म कहानी, है ना। अब हमको ब्रैकेट के ऊपर काम करना है, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, यानी कि छोटे ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा, तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया 24, यहाँ पर लिखा गया बेटा 1/3, राइट, और ये आपके सामने नंबर दिए हैं, इसको आपको पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बेटा बार ब्रैकेट नहीं है, इसको आप पहले सॉल्व करो, है ना, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, 15 + 11, है ना, 15 + 11 आपका हो गया बेटा कितना, 26 -8 + 9, बात समझ में आ रही है। अब 18, यहाँ 26 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 18, आपका 18 में अगर आप 9 जोड़ते तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 27, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको दो तीन और भी तरीके से कर सकते हो, 26 में आप 9 जोड़ दो तो वैल्यू आ जाएगी 35, 35 में 8 माइनस कर दोगे तो भी वैल्यू आएगी आपकी 27 ही, करेक्ट। यानी कि यहां लिखो आप 24 और यहां लिखो आप 1/3, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 26 + 9 = 35, 35 - 8 = 27, तो यानी कि ये वैल्यू हो गई 27। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है जब ये ब्रैकेट खत्म होता है तो बाहर लगी होती है मल्टीप्लिकेशन वाली साइन, क्यों, क्योंकि बी के बाद सीधे ऑफ आता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट, यानी कि ब्रैकेट खत्म होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 27 आपने लिखा और उसके पहले लगेगा आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये वैल्यू कट करके यहाँ पे क्या आएगी बेटा, ये 3 × 9 = 27, यानी कि आंसर इज 24 × 9, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18, 216, करेक्ट। तो जितने बच्चों ने 216 बोला, वो सभी के सभी धुरंधर, वो सभी के सभी बादशाह, वो सभी के सभी शेर, है ना, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। जितने बच्चों ने 72 लगाया वो मेरे ट्रैप में फंस गए, वो मेरे जाल में फंस गए, मैंने जानबूझकर के ऑप्शन 72 रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जैसे क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, वो इतने खुश जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन है, ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर 9 आया था, बाकी बचे तो बेवकूफ है ना, हमको तो बस यहाँ पर 9 रख करके 1/3 कर देना है उसका, उसका जो आंसर आएगा 24 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो मैं समझ गया था कि बच्चे ये गलती करेंगे जरूर, इसीलिए मैंने सारा जाल आपके लिए बुना के रखा था, राइट। सो इसका आंसर बेटा 72 नहीं होगा, इसका आंसर 216 होगा, करेक्ट। तो जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो को लाइक करते चले, बहुत अच्छे अच्छे बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे आपका, बेसिक एकदम से समझ लो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, है ना, बेसिक तो इतना स्ट्रांग करके जाएंगे ना आज आपका, कि कभी जिंदगी में बॉड मास गलत नहीं होने वाला आपका। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, देखो यहां पर -14 भी आ रहा आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो शुरू में आ रहा है, बाद में नहीं आएगा, क्लास के एंड होते होते आप भी धुरंधर हो चुके होंगे बेटा, है ना, किसी का भी गलत नहीं आ सकता फिर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं, जल्दी से बेटा, जल्दी से सभी बच्चे तेजी से पेन और पेपर के साथ बैठा करो मेरी क्लास में, है ना, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देते हैं आपको, पेन और पेपर के साथ रहा करो तुरंत। जल्दी से बेटा, जल्दी से, क्या बच्चों आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, देखो वॉचिंग ज्यादा आ रही है ना, वॉचिंग ज्यादा आ रही है बट लाइक्स कम है, ये गलत बात है। वॉचिंग मैं बोलता हूँ, मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, लाइव बच्चे जितने जुड़ते हैं वो खुद ही अपील कर रहे होते हैं, वो खुद ही बोल रहे होते हैं सर देखो, जो कमेंट सेक्शन में बच्चे जुड़े होते हैं उनसे ही बोल रहे होते हैं कि देखो सर पढ़ा रहे हैं तो यार देखो अभी तक लाइक नहीं हुआ, वॉचिंग इतनी आ रही है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं ना। तो ये खुद ही आपस में आप लोग डिस्कशन किया करो, ये सारी चीजें खुद ही कराया करो, मेरे को बार बार ना बोलना पड़े, मैं कई बार बोल चुका हूँ ना, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है,
कितना आंसर आ रहा बेटा इसका? अभी किसी का नहीं आया आंसर, है ना? चलो जल्दी से देखते हैं, आप भी करो साथ में हम भी करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर बार ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन लोग का क्या करें, इन लोग को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखेंगे चुपचाप। यानी कि यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखा करली ब्रैकेट 36 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमने ये स्मॉल ब्रैकेट बनाया 20 माइनस 5। अभी कुछ भी नहीं करेंगे, याद रखना इसको, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ये मत करना लगना कि यहीं पर सॉल्व करने लगो, क्योंकि हमें पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई यहां लिखा 13 माइनस 11 कितना हुआ बेटा, 2 हुआ। बात समझ में आ रही है? पहले हम लोग बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। क्लियर, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग इस, अब देखो ब्रैकेट्स बचे हैं सिर्फ, ये करली ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, और स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होने के लिए हम लोग के पास जो बीच में नंबर दे रखे हैं उसमें हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो जो बाकी चीजें उसको ऐसे ही लिखे रहने दो ना, एज इट इज, इसको हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। करेक्ट, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो 20 यहां पर आया, 5 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करना ना, तो 5 अपॉन 2 लिखा हमने इसको, माइनस 5 अपॉन 2, और बाहर लिखा हुआ है 2। इसका मतलब इस 2 ने इस 2 को मार दिया। बासन मारी है, क्या क्या बचा अब हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 24 प्लस 36 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 5 बचा, वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 15 हो जाएगी। करेक्ट, और स्मॉल ब्रैकेट आपका खत्म, 20 माइनस 15, ये स्मॉल ब्रैकेट आपका खत्म हो गया। अब यहां पर 15 बचा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहां पर लिखा 24, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया हमने तुरंत। अब यहां पर देखो, सॉरी माइनस कर दिया, अब यहां पर बचा 15 इंटू 8। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, करली ब्रैकेट बनाया, 36 माइनस 15 8 जा कितना होता बेटा, 120। 15 8 जा 15 8 120, बहुत अच्छी बात है। यहां पर वैल्यू आकर के रुक रही है, बच्चों का आना आंसर शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी बात। करते हैं आगे इसको, करते हैं 24 प्लस, अब देखो ये करली ब्रैकेट अब हटाया जा सकता है, राइट? यानी करली ब्रैकेट हटेगा तो 24 प्लस 36 माइनस 120, माइनस 120, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी बेटा, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 20 60, तो 60 में से 120 घटाना है। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, करेंगे तो माइनस ही है ना, होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन ग्रेटर वाला लगेगा, बता चुके हम आपको, कर दो जरा माइनस इनको, माइनस करने पर वैल्यू आएगी 60, लेकिन साइन किसकी लगेगी बेटा, साइन किसकी लगेगी, बोला करो, रिप्लाई किया करो कमेंट सेक्शन में, है ना, साइन किसकी लगेगी बेटा, यहां पर साइन लगेगी माइनस वाले, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, ग्रेटर की साइन लगती है, तो यानी कि माइनस, आंसर इज माइनस 60। और अगेन मेरे ट्रैप में आप लोग फंसे, मैंने ऑप्शन में जानबूझ करके 60 रखा था, जिससे कि मैंने जान गया था कि कहीं ना कहीं बच्चे 60 तक पहुंचेंगे, साइन देखेंगे नहीं, तुरंत 60 पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गलत अभी हो रहा है, अभी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में ना हो, है ना, अभी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हमें पूरे के पूरे रूल को सॉल्व करते हुए चलना है ना, पूरे रूल के अकॉर्डिंग। पहले क्या किया गया, पहले हमने इस बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने डिवाइड, है ना, डिवाइड सॉल्व किया। डिवाइड सॉल्व करने के बाद यहां पर वैल्यू आ रही थी आपकी 5/2। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी कि 5/2, 2 ने 2 को मार दिया, मल्टीप्लिकेशन के केस में खत्म हुई इनकी कहानी। उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, यहां पर एडिशन था नहीं तो हमने सीधे सब्ट्रैक्शन किया, तो 20 माइनस 5 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। अब फिर से वही डी मास लगेगा आपका, शुरुआत होगी, तो अगेन यहां पर दिख रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर माइनस मत कर देना बेटा पहले, है ना, क्योंकि रूल ये कहता है कि पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 8 जा 120 हुआ, 36 माइनस 120 हुआ, यहां लगा था 24, सॉल्व हुआ आपका माइनस 60। करेक्ट, सभी बच्चों को आ गया, आगे बढ़े जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन होगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कितने बच्चे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? सर आपका कोर्स लेना है, क्या करना होगा सर जी, बताइए ना प्लीज सर जी, राजीव बिहार। बेटा आप सबसे पहले तो महापैक लीजिए, है ना, अड्डा की वेबसाइट पर जाकर के आप सबसे पहले तो महापैक डाउनलोड करिए, परचेज करिए, और वहां पर देखिए मेरा प्रोमो कोड लगा हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर कुछ नया देख रहे हो, यहां पर मेरा प्रोमो कोड अब आना शुरू हो गया है Y392, और मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था कि जब इस कोड को आप लगाओगे तो जो आपका जो महापैक होता है या फिर जो भी आप परचेज कर रहे होते हो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, वो अचानक से एकदम 60-70% डिक्रीज कर जाती है जब आपका
ये कोड लग रहा होता है यानी कि Y392। और साथ ही साथ आपको तो बेनिफिट मिलता ही यानी कि आपको डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ एक चीज और होती है वो ये है कि आपका नाम मेरे तक पहुंचता है और ये लिख के आता था कि इस बच्चे ने इस चीज को डाउनलोड किया है, इस चीज को परचेज किया है इस प्रोमो कोड से यानी कि नवनीत सर के नाम से। तो हमें दिल से खुशी होती है, हमें मालूम चलता है कि ये जो बच्चे कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे हैं हमसे, इन्होंने मेरा नाम यूज किया तो मुझे कहीं ना कहीं और अच्छा लग रहा होता है, मुझे और अच्छा लग रहा होता है पढ़ाने में और फिर हम और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। यानी कि यही सारी चीजें जो हमको मोटिवेशन दे रही होती है, बहुत अच्छी बात है। सर स्टार्टिंग ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ, किसमें, इसमें इसमें पूछ रहे हो स्टार्टिंग ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन देखो 13-11 ही है और ऊपर लगा हुआ है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट की वजह से हुआ है, बार ब्रैकेट जहां रहेगा पहले आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुके हो आप लोग, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर बार ब्रैकेट है कहीं, कहीं पर भी क्या बार ब्रैकेट है, यस और नो रिप्लाई किया करिए। हमने पूछा बार ब्रैकेट है यहां पर कहीं, तो आप बोलोगे यस सर है यहां पर बार ब्रैकेट। सबसे पहले देखो ध्यान से, बार ब्रैकेट ये है इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना ये -8 -3 नहीं है, माइनस बाहर है, बार ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ यानी कि 8 -3 है ये। बाकी चीजों को ऐसे ही हम लोग नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए -3 है ये, -2 है ये ब्रैकेट में, एक सेकेंड, हाँ ये सही है। तो यहां पर 63 -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहां पर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया सकता है ना। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि दो ब्रैकेट यानी कि जो ब्रैकेट सॉल्व होता है तो बाहर वाले नंबर्स अंदर जाके मल्टीप्लाई होते हैं ऑफ की वजह से, बात याद है कि नहीं याद है, भूल गए। यहां पर अगर बी है, यहां पर ओ है, यहां डी है, तो ब्रैकेट अगर सॉल्व होगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो उसके बाद क्या आता है ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो ब्रैकेट जैसे सॉल्व होगा तुरंत आपको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, इस माइनस को हम लोग अंदर भेज देते हैं। देखिए ध्यान से, यानी कि लिखेंगे इसको 63 और ये माइनस अंदर गया तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया हमारा +3, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बार ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है -2, यहां पर लिखा है माइनस, माइनस ही माइनस रहने देते हैं। यहां पर 8 -3 कितना हुआ बेटा, 8 -3 हो गया हमारा 5, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लगा है डिवाइड, डिवाइड लगाए रहते हैं हम लोग, और यहां पर लिखा है 3। आगे बढ़ते हैं, ये है कर्ली ब्रैकेट के साथ, ये है 5 और ये देखो -2 और -1, दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। तो -2 अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आएगा आंसर आपका +2, प्लस का 2, करेक्ट। कोई डाउट नहीं यहां तक, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, वेरी गुड। अब क्या किया जाए, अब ध्यान से देखिए, हम लोग को ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, उसके बाद कुछ और किया सकता है, पहले ब्रैकेट खत्म करो यहां से। तो यानी कि ये हो जाएगा 63, यहां पर लिखेंगे +3 और यहां पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी बेटा, -7 और यहां पर बीच में लगा हुआ है डिवीजन का सिंबल, यहां लिखा हुआ है 3 और यहां पर लिखा है 5 + 2 यानी कि 7, करेक्ट। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमेशा। अब ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है 63 और ये 3 अंदर जाएगा तो माइनस के साथ यानी कि -21 हो जाएगा, राइट। यहां पर डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, यहां पर 3 7 21 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, बॉड मास पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉड मास यानी कि बी और ओ तो खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया तो ओ खत्म हो गया, डी मास चलेगा अब, यानी कि डी मास में पहले डिवाइड करना है हमको, डिवाइड यहां पर 21, यहां पर -21, तो 63 डिवाइड करेंगे इनको तो वैल्यू आएगी -1। उसके बाद अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि आंसर इज 62। कितने बच्चों का 62 आ चुका था, कितने बच्चों का 62, युवा, यस, हाय हाय फ्रेंड्स, नाइस एक्सप्लेन, थैंक्स सर, हाय सर, नो कमेंट, नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हो आप लोग, मालूम है क्या पढ़ रहे हो? अच्छा बताओ क्या पढ़ क्या रहे हो, जरा देखें बच्चों को कितना समझ है इस बात का, है ना, क्या पढ़ क्या रहे हो बेटा आप लोग, क्या पढ़ रहे हो आप लोग आज, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, देखिए जरा बच्चे बता पाएंगे कि नहीं, आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, तफरी तो नहीं काट रहे हम लोग, ये है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताते चलिए आप लोग, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बॉर्ड मास का रूल लगा, आसानी से सॉल्व किया सका। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, बार ब्रैकेट आपने सॉल्व किया तो 8 - 3 हुआ यहां पर 5 और बाकी लगा हुआ है, यहां पर देखो -3 है, बाहर माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, राइट। सरलीकरण, बॉर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, चलो अच्छी बात है ना, समझदार जनता बैठी है, यानी कि माइनस ने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3, पता चले पापा पीछे से आ जाए सर पे मारे, क्या पढ़ रहे हो,
पापा क्या बताएं, पता नहीं सर क्या पढ़ा दे रहे हैं, है ना, जो पढ़ा दे रहे बस नोट कर ले रहे, जल्दी जल्दी मालूम नहीं चल रहा क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ पर प्लस थ्री माइनस टू, ये हो गया हमारा माइनस फाइव के साथ, तो इसका मतलब ये हम सॉल्व करेंगे तो माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन होता है, वेरी नाइस। आगे लगा है डिवाइड, डिवाइड हो गया, यहाँ पर लिखा है थ्री, फाइव प्लस टू हो गया हमारा बेटा सेवन। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि ये बाहर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी वन, यहाँ पर प्लस ट्वेंटी वन, है ना। दोनों आपस में डिवाइड करेंगे क्योंकि बीच में डिवीजन का सिंबल है, और डिवाइड हम लोग पहले करते हैं, जहां पर डिवाइड देखें हम लोग उसको ब्रैकेट के बाद सबसे पहले डिवाइड ही करना होता है, राइट। यानी कि हमने इसको डिवाइड किया, वैल्यू आई वन, माइनस वन के साथ सिक्सटी थ्री माइनस वन सिक्सटी टू, करेक्ट। जादू में ऐसा, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं बट लाइक्स कम हो रहे हैं, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, लाइक्स कम है, देखो लाइक्स होना चाहिए, है ना। लाइक्स ही ऐसी चीज है जो हम लोग को मोटिवेट करती है, हर टीचर को मोटिवेट करती है ना, तो लाइक्स करते चला करो, लाइक्स करते चला करो, लाइक्स जितने कम से कम व्यूवर रहे उतने लाइक्स तो होने ही होने चाहिए, है ना, उससे कम हम क्या अपेक्षा करें। जितने व्यूवर्स जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक्स तो होना तय है, बहुत अच्छी बात। और कई बार तो मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे मालूम क्या करते हैं, अपनी अलग अलग आईडी से लाइक कर देते हैं, बट वो चीजें नहीं सही है। अगर आप अकेले देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक ही लाइक सफिशियंट है, हाँ आप बाकी लोगों को बुला करके ले आओ, आप उनको इन्फॉर्म करो, शेयर करो लिंक, और वहां से बच्चे आए लाइक करें वीडियो को, देखें हमारे इस वीडियो को, है ना, समझे कंसेप्ट सीखे, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए, कितना पेमेंट कटेगा सर, है कौन सी पेमेंट, लाइक करने से, बुड़बक, लाइक करने से पेमेंट कटता है, कितना पेमेंट कटेगा, कैसे करें, देखो वहां पर ऐसे कुछ थम्स अप है ना, ठोक दो वहां पर जाके, लाइक का पैसा नहीं लगता, हाँ जी करेक्ट, बहुत अच्छे। आंसर आना शुरू हो गया बच्चों का, आंसर आना शुरू हो गया, है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितने बच्चों ने यहां पर माइनस एट और प्लस एट को जीरो कर दिया, कितने बच्चों ने यहां पर माइनस एट और प्लस एट को जीरो कर दिया, कितने बच्चों ने माइनस एट और प्लस एट को जीरो कर दिया, हाथ उठाएं, मालूम होना चाहिए हम लोग को, है ना, ये कोई गलत बात नहीं बेटा, आपने बिल्कुल सही किया है, हम वही जानना चाह रहे हैं, माइनस एट और प्लस एट को कितने बच्चों ने जीरो किया है। जितने बच्चों ने किया है कहीं ना कहीं वो बहुत समझदार बच्चे हैं, वही एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कितने बच्चों ने माइनस एट और प्लस एट को जीरो किया है, हाथ उठाएं, जल्दी से बताएं कि सर मैंने किया है, यस लिख के भी भेज सकते हैं, इमोजी के साथ भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कितने बच्चों ने माइनस एट और प्लस एट को जीरो किया है। जितने बच्चों ने किया है समझदार वही है सिर्फ, जो हम पूछ रहे, जल्दी से बताओ, कोई है जिसने माइनस एट और प्लस एट को जीरो किया है, कोई नहीं है, गलत है, अच्छा चलो इतना समझदारी है, हाँ इतना मेरे पढ़ाने पर बहकाने पर आप लोग बहके नहीं, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, हम लोग अब समझ चुके हैं ना, ये बार ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट के बाहर है माइनस, बार ब्रैकेट के बाहर है माइनस, इसका मतलब एट प्लस एट चलेगा, यहां पर एट प्लस एट चलेगा, वेरी गुड। यानी कि हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं, फिफ्टी, बात सुन आ रही है, ओके, तो 50 डिवाइडेड बाई यहां पर लिखा 1/5, करेक्ट। आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, 15 प्लस 11, इसको सब ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, इसको टच भी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमको बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। बाहर लगा है माइनस, यहां पर लिखा है 9 प्लस 8, देखो हम लोग कैसे जा रहे होते हैं, कभी फील करो ना तो ऐसा फील होगा कि देखो सॉल्व उसको करना, हम लोग यहां से चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे, टक 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 टक, वहां पहुंचने के लिए, है ना, पहुंचने के लिए हम लोग, जैसे लग रहा कि यहां से हम लोग आर्मी बैठाए हुए हैं, हम लोग धीरे 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 वहां पहुंच रहे, क्योंकि हम लोग उसको मारना चाहते हैं, है ना। मैंने तो नहीं किया सर, अरे वाह, शुरू में किया था, बाद में आ गया कि नहीं करना है। चलिए अच्छी बात है, आ गया ना, तो ये 8 प्लस 8 हमारा हो गया बेटा 16 हो गया, करेक्ट, ये हमारा 8 प्लस 8 16 हो गया, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग को मालूम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो 9, 8, 17 माइनस 16 हो जाएगा, यस और नो, एग्री और नॉट, यस और नो, जल्दी से बताओ, 9, 8, 17, 17 माइनस 16 हमारा 1 हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है बेटा 50 लिखा, यहां पर लगा है डिवाइड, डिवाइड लगाया 1/5। अब हमको पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, ये वाला अंदर वाला है ना, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि बाकियों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया 15, यहां पर लिखा प्लस, यहां पर लिखा 11 माइनस 9, 8, 17, 17 माइनस 16 यानी कि 1, खत्म। ये ब्रैकेट यहां पर ये वैल्यू 1 दे दिया इसने, तो खत्म हो गया, है ना, इसको हमने हटा दिया ब्रैकेट को, अब यहां डायरेक्ट लिख दिया हमने 1 और यहां पर ये आ गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या किया जाएगा, बहुत जबरदस्त, देखिए ध्यान से कैसे होगा ये, अब 15 हमारा 11 के साथ जुड़ा हुआ है, 15 प्लस हमारा 11 यानी कि 26 और माइनस 1 कर दिया तो हमारा 25, वेरी गुड। यानी कि 50 डिवाइडेड बाई ये है हमारा 1/5 और ये ब्रैकेट सॉल्व करना, तो 15 प्लस 11 हमारा 26 और 26 माइनस 1 25, यानी कि वैल्यू इज 25, करेक्ट।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है सर, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया एकदम। अब देखो ये है हमारा 50 डिवाइडेड बाई 1/5 इनटू 25, बात समझ में आ रही है? अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर बेटा देख सकते हो कि 20 डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 25 है। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर आया है इसको तुरंत आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, ब्रैकेट के बाद यहां पर ऑफ लगता है। बहुत सारे बच्चे पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद यहां पर जाएंगे, नहीं बेटा ऐसा कभी मत करना। यहां पर ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब क्या हो गया, बॉड मास में जैसे ब्रैकेट सॉल्व होता है तुरंत ऑफ होता है, यानी कि तुरंत गुणा करना होता है, और ऑफ को हमें पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है, पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यानी कि यहां पर जो नंबर आया है 15 + 11 = 26 - 1 यानी कि 25, वो यहां पर पहले सॉल्व होगा, यानी कि इनसे पहले मल्टीप्लाई होगा, इसको हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखना है इस चीज को। यानी कि वैल्यू आ गई 5, और अब हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो है 50 डिवाइडेड बाई 5, और आंसर इज बेटा 10, करेक्ट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ गया अच्छे से? ओके सर, की सब क्लास फ्री है, परचेज बैंक महापैक, करेक्ट, वो भी किस कोड से? बच्चों मेरा कोड भी बता दिया करो, मेरा कोड भी बताया करो हर किसी को, जब कमेंट में कोई पूछा करे ना कि कौन सा कोड यूज किया जाए, तो मेरा ही कोड बताना। क्लास किसी की भी करो, कोड मेरा बताओ, क्लास किसी की भी करो, कोड मेरा बताओ, याद रहना चाहिए। मतलब मैं अगर खुद भूलूं, मैं पूछूं मेरा प्रोमो कोड क्या है, तो मेरा बता दिया करो, सर आपका प्रोमो कोड Y392 है, करेक्ट। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो फ्री में पढ़ाकर, अरे नहीं ऐसा मत बोलो यार, मैं शर्मिंदा मत करो यार, शर्मिंदा मत करो, है ना, शर्मिंदा मत करो। चलिए जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत मासूम बच्चे होते हैं कसम से, है ना, बहुत अच्छी बात, एक्सीलेंट सर, चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहां पर ये गलती कभी मत करना बेटा कि 5 को इससे पहले आप डिवाइड करने लगो, है ना, ये मत करना कभी भी, क्योंकि हम लोग को मालूम है यहां पर ब्रैकेट सॉल्व हुआ है तो पहले ऑफ आएगा, और ऑफ के साथ वाली चीजें पहले मल्टीप्लाई होती हैं, तो आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, उसके बाद आपने इसका आंसर निकाला। वेरी नाइस, वेरी गुड। Y393 मेरा नहीं है, मेरा है Y392, याद रखो इस चीज को। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये करके दिखाओ इस क्वेश्चन को करके दिखाएं जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप करें सभी बच्चे, जितने बच्चे धुरंधर बैठे हुए हैं सबके सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। बेटा पेड बैच में भी हम मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, आप इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। हेलो हरीश कैसे हो, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, साफ देख पा रहे होगे क्वेश्चन बहुत अच्छा ही है, देखो ध्यान से कैसे होगा ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखो कैसे किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखो। यहां पर हम लोग के सामने है, यहां पर किसी के ऊपर भी बार ब्रैकेट नहीं है, बात समझ आ रही है, यहां पर किसी के ऊपर भी बार ब्रैकेट नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग के पास फिर कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारा फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, ये प्रायोरिटी चलती है, बात समझ आ रही है, ये प्रायोरिटी है, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको करली वाला सॉल्व करना है, और लास्ट में फिर आप ये वाला सॉल्व करते हो, करेक्ट, ये आपकी प्रायोरिटी होती है। तो आप जल्दी से सॉल्व करते हो, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा आंसर। यानी कि सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो सॉल्व करते हैं, यानी कि आ गई वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका 1 + 1, ठीक है, यहां पर लगा डिवाइड, बढ़िया, ये लगाया आपने करली, सॉल्व हमें इसको करना है यहाँ वाले को, तो हम लोग वहां तक चलते हैं, पहले ये लगाया 1, ये लगाया प्लस, ये लगाया 1, यहाँ पर लगाया हमने डिवाइड, और यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस, और यहाँ लिखा है डिवाइड में, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2, करेक्ट, करेक्ट बेटा, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3/2, राइट, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा हमारा, हो गया ये 3/2, ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म, बढ़िया,
अब क्या करेंगे, हमारा डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में बदलेगा और ये हमारा फ्लिप हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। अब हम लोग को ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला अंदर वाला, जल्दी से करते हैं। लिखेंगे वापस से 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस, और ये पलट जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने वाला है, ये मल्टीप्लाई तो ये फ्लिप हो जाता है, यानी कि 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2 बन जा 2 और नीचे 3 हो गया, कुछ ऐसे, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगेन लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, और यहां पर लिखा है 1 प्लस 1 और यहां पर डिवाइड लगा हुआ है, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3, राइट, 5 अपॉन 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 बन जा 3, 3 प्लस 2, 5, 5 अपॉन 3, करेक्ट। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है, 2 दिन है शायद, सर मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है? बिल्कुल बेटा, जब आप ये वीडियो स्टार्ट करोगे ना तो आपको बेसिक से बिल्कुल सारी चीजें देखने को मिलेगी, है ना, मैंने बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ाया है, बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे अब हम लोग को करना है, यहाँ पर लिखा हमने 1 डिवाइडेड बाई और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 नीचे, है ना, यानी कि 3 ऊपर 5 नीचे, बहुत अच्छे, यानी कि 1 प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5, करेक्ट। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहां पर ले आते हैं सारी चीजों को, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन तबाह, है ना, तो बहुत ध्यान से करना होता है। वैल्यू 5 ऊपर गया, यानी कि 5 अपॉन 5 बनेगा, ये 8 अपॉन 5, और इसको पलट देंगे तो 5 अपॉन 8, डी ऑप्शन। गुरु का दर्जा माँ का, माँ पा का मिलता है, सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि हम लोगों को फ्री में पढ़ाई करते हैं। थैंक यू बेटा। क्लास टाइमिंग बेटा, हम लोग की हर बार सुबह 6 बजे क्लास शुरू हो जाती है ब्लैक मैजिक मैथ से, है ना, ब्लैक मैजिक, यानी कि हम लोग मैथमेटिक्स का काला जादू सीख रहे होते हैं। 2/3 कैसे, 2/3 कैसे, कहाँ पर है बेटा 2/3, कहाँ पे, ये है ना, यहाँ पर देखो, ये 1, अच्छा देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को आ रहा है, ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 कैसे 3 अपॉन 2 हुआ, हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 अगर कहीं लिखा है बेटा तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा हमको, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 1 2 जा 2, 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2, ऐसे ये तो हो गया 3 अपॉन 2। अब आप बोल रहे हो कि सर ये 2 अपॉन 3 कैसे हुआ, यहाँ पर लगा है बेटा क्या, डिवाइड, डिवाइड जब आपका मल्टीप्लाइंग बदलेगा, डिवाइड जब आपका मल्टीप्लाइंग बदलेगा तो ये जो बगल वाला फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 2 अपॉन 3, ऐसे हो गया 2 अपॉन 3। अभी ठीक है, समझ में आ गया, काला जादू नहीं, काला जादू नहीं है बेटा, ये सब रूल है ना मैथमेटिक्स के, काला जादू नहीं है। बिल्कुल, मेरी क्लास सुबह 6 बजे डेली होती है और रात को 11 बजे, है ना, सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले हो जाती है, हम लोग निशाचर हैं, हम लोग रात में पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाने वाले गुरुजी भी रात में पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी रात में पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर बैंक महापैक बिगनर का लिया फायदा क्या होगा? बेटा सारे कोर्स जो भी आपको वेबसाइट पे दे रखे गए हैं, है ना, वो डेडिकेटेड वे में आपको पढ़ाए जा रहे होंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जब आप किसी कोर्स को परचेज करते हो, जब आप पेड कोर्स लेना शुरू करते हो, मालूम क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस ये होता है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर इस बोर्ड मास को आपको पढ़ाया, राइट, अब बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मान लो 150-200 बच्चे जुड़े हुए हैं, अब अगर मैं बहुत बेसिक से सारी चीजों को पढ़ाऊंगा कि बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो हम अगर बहुत बेसिक से जाएंगे तो बहुत सारे जो ऑडियंस है, बहुत सारे जो बच्चे कहेंगे सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, ये तो हम लोग को मालूम है, तो बच्चे कटना शुरू हो जाएंगे। अब जब बच्चे कटना शुरू हो जाएंगे तो हम कभी नहीं चाहेंगे बच्चे कटे, है ना, बच्चे चढ़े जाएं, कह देंगे नहीं सर हमको पढ़ना नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, हम बहुत तेजी से एवरेज मान करके पढ़ा रहे होते हैं कि बच्चों को इतना आता है, राइट, बात समझ आ रही है। लेकिन जब आप पेड कोर्स देते हो तो हमें आपके अकॉर्डिंग पढ़ाने का मौका मिलता है। आप मेरे से पूछोगे सर ये डिवाइड कैसे आया, हम आपको डिवाइड का रीजन बताएंगे। हमसे पूछोगे सर ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये कैसे 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2 हो रहा है, या फिर 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 कैसे हो रहा है, हम वो भी आपको बता रहे होंगे। बात समझ आ रही है, ये होता है डिफरेंस पेड कोर्स का, यानी कि डेडिकेटेड फैकल्टी आपके साथ बैठ करके ऑनलाइन आपको सब कुछ पढ़ा रही होती है। बात समझ आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। मुकुल गौतम हमारा नाम लो, काहे बहुत बड़ा नाम है आपका कि हमारे लेते ही मोदी चले जाएंगे दौड़ते हुए, हैं चलो ले लिया बेटा, है ना, मुकुल गौतम, हेलो मुकुल कैसे हो सर, ये स्टार्टिंग क्लास है ना, हाँ जी। तो बेटा आज की क्लास में फिर हम लोग बस इतना ही रखते हैं, जबरदस्त क्लास हुआ, सिंप्लीफिकेशन हम लोग सीखा, बोर्ड मार्क्स सीखा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, है ना। तो
आज की क्लास में बेटा हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी अगले 6 बजे यानी कि कल सुबह 6 बजे फिर से हम लाइव होंगे, सभी बच्चे हमें हमारे साथ फिर से मौजूद होने चाहिए, बहुत अच्छी क्लास होगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, सीखते रहें, अपने दोस्तों को भी सिखाते रहें और बहुत जल्द एग्जाम क्रैक करें और बहुत जल्द अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।